ये सब अगर आपने प्रेजेंट किए और इन सारी रिकमेंडेशन को आप यूनिवर्सिटी कंपाइल करके जिस जिस विषय में जहां जहां पे उसकी एप्लीकेशन और इम्प्लीमेंटेशन के स्वरूप बनेंगे वहां उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करें। मुझे अवसर मिला है, मैं ये बात भी कहना चाहूंगा क्योंकि मैं आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी से जिस समय यूनिवर्सिटी बनी थी उस समय भी मिला था और मैं ये बताना चाहूंगा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि भारत एक स्किल्ड देश बने, स्किल यहां की एक स्ट्रेंथ बन के उभरे और उसी सपने को हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जिन्होंने उस सपने को आगे ले जाने के लिए भारत की पहली स्किल यूनिवर्सिटी की कल्पना की। मुझे याद है जब मैं पहली बार अपना कॉर्पोरेट छोड़ के आया था और बहुत सारे लोगों के पास जाके स्किल यूनिवर्सिटी के बारे में बताता था, उसमें बहुत सारे लोग ब्यूरोक्रेसी से थे, बहुत सारे लोग एकेडमिक से थे, उन सबका रिस्पॉन्स ये रहता था कि स्किल यूनिवर्सिटी की आवश्यकता क्या है। और पहले चार महीने बहुत ही डिस्करेजिंग रिस्पॉन्स हमें चारों ओर से मिलता था, लेकिन हमने भी तय किया था कि हम इसका पूरा रिसर्च मार्केट से करेंगे, इंडस्ट्री से मिलेंगे और हमारी टीम ने करीब 20,000 युवाओं से संपर्क किया जिसमें स्कूल के बच्चे, दसवीं के, आईटीआई के, पॉलिटेक्निक के इंजीनियर्स, ड्रॉप आउट्स और करीब 250 इंडस्ट्रीज से जो उनके इंडस्ट्री कैप्टन हैं उनसे मिले, करीब 50 से ज्यादा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो पॉलिसी मेकिंग में हैं, एकेडमिशियंस हैं और जैसे मैंने एक्सपेरियंस भी कहा बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमारे सामने आए जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट था कि युवा आज का करीब 60% युवा चाहते हैं वो ग्रेजुएट बनना चाहें, उनके लिए चांस फॉर ग्रेजुएशन बड़ी हाई है। करीब 70% युवा ऐसे हैं जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग को अपनी एजुकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा देखना चाहते हैं। करीब 80% से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो लर्निंग के साथ अर्निंग को एक इंपॉर्टेंट मोड देखना चाहते हैं अपनी शिक्षा में, यानी पढ़ाई के साथ कमाई के साधन अगर शिक्षा में हो तो इस प्रकार का रिस्पॉन्स युवाओं का था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमने देखी कि जिन बच्चों ने हमें रिस्पॉन्ड किया उसमें करीब जो 90% जो बच्चे थे वो ड्रॉप आउट थे और इन 89.5% ड्रॉप आउट ने हमें कहा कि वो वापस शिक्षा क्षेत्र में आना चाहते हैं, जो लेबर मार्केट में अर्ली एज में चले गए हैं कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण से, पारिवारिक समस्याओं के कारण से, उन्होंने जब रिस्पॉन्स दिया और रिस्पॉन्स का संज्ञान दिया तो हमने देखा कि करीब 89.5% ड्रॉप आउट कहते हैं कि हम वापस शिक्षा में आना चाहते हैं परंतु उनके पास शिक्षा में वापस आकर अपने आप को चलाने का, परिवार को हेल्प करने का व्यवस्था नहीं। और सबसे बढ़िया फीडबैक जो था वो था 70-72% जो महिलाएं रेस्पॉन्डेंट थी वो रेडी थी रिलोकेट होने के लिए बशर्ते उनके पास अपॉर्चुनिटीज ऑफ जॉब या अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग सरकार की ओर से या इकोसिस्टम की ओर से मिले। इसके साथ मैंने जैसे कहा कि एग्रीकल्चर में बहुत कम फीडबैक था, जो एग्रीकल्चर क्षेत्र से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं 50% से ज्यादा एग्रीकल्चर के बच्चे जो है वो एग्रीकल्चर में जॉब नहीं करना चाहते। तो जब हमने इन सारी बातों का संज्ञान लिया तो हमारी यूनिवर्सिटी ने इंडस्ट्री के साथ मिलना शुरू किया और जैसा मैंने आज सवेरे भी आपको कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट फीडबैक जो हमें इंडस्ट्री से मिला वो ये था कि हम उच्च शिक्षा से कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं और वो ये है कि जो बच्चा इंडस्ट्री में आए हायर एजुकेशन से या एजुकेशन सिस्टम से बाहर आए वो इंडस्ट्री रेडी है। यानी आज कंपनीज बच्चों को जब इंडस्ट्री से इंस्टीट्यूशन से लेती हैं तो कंपनीज को इन्वेस्ट करना पड़ता है उनकी स्किलिंग के ऊपर, उनकी ट्रेनिंग के ऊपर, जो एक एडिशनल कॉस्ट है।
और कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से निकला वो बच्चा आज उनके लिए प्रोडक्टिव रिसोर्स बनके इंडस्ट्री में आए। और इसका सबसे बड़ा जो गैप है वो ये है कि जिस प्रकार से आज हमारी शिक्षा व्यवस्था में कहीं पे उन्हें एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग नहीं मिल रही, करिकुलम्स में चेंज नहीं हो रहा, इंडस्ट्री को करिकुलम डेवलपमेंट में भागीदार नहीं बनाया जा रहा, बहुत हद तक ये रिस्पॉन्सिबल है कि हमारे जो बच्चे इंस्टीट्यूशन से निकलते हैं वो इंडस्ट्री के लिए नहीं होते। और हमने देखा कि जिस समय हम यूनिवर्सिटी से मिले, पहले 6 माह में विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी के बैनर तले, इंडस्ट्री वॉज हेजिटेंटली सेइंग यस। बट पिछले 1 वर्ष की जो हमारी जर्नी रही है, मैं आज गर्व से कह सकता हूं इंडस्ट्री इज हेजिटेंटली नाउ सेइंग नो। हमारे यहां जीएमओ के टॉप से लोग बैठे हैं, मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है जब शुरू में they were a little hesitant कि हमारे साथ कोर्स शुरू करें। और उस समय हमारे एक महिला सिलेक्ट हुई थी एंड हीरो मोटोकॉर्प वाज हेजिटेंट बिकॉज़ उन्होंने कभी प्रोडक्शन फ्लोर में महिला को रखा नहीं, उनकी हिस्ट्री में कभी नहीं रखा गया। और हमने अनुरोध करके उनकी मैनेजमेंट से बात करके उस एक महिला को रखवा लिया, तो उन्होंने सोचा कि कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज मैं घर से कह सकता हूं कि हीरो मोटोकॉर्प वापस अब एक प्रपोजल में डिस्कशन चल रही है विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी के साथ, वो एक्सक्लूसिव वुमेन के बैचेस चलाना चाहती है मैकेट्रॉनिक्स के लिए और ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ये पैराडाइम शिफ्ट जो हमने पिछले 1 वर्ष में देखा, इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि जिस प्रकार से स्किल यूनिवर्सिटी ने इंडस्ट्री के साथ, इंडस्ट्री के क्रिटिकल जॉब रोल्स के साथ, इंडस्ट्री के इमर्जिंग जॉब रोल्स के साथ, नई टेक्नोलॉजी वाले जॉब रोल्स के साथ अपने करिकुलम को डेवलप किया, अपनी फैकल्टी को इंडस्ट्री के द्वारा ट्रेन करवाया और आज उसी इंडस्ट्री में ये बच्चे डिलीवर कर रहे हैं। इंडस्ट्री हैज रिकॉग्नाइज्ड द वैल्यू ऑफ द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड स्किल यूनिवर्सिटी। दे डोंट थिंक दैट दिस इज अ कन्वेंशनल मॉडल, यहाँ टॉप एंड टॉप चलता है, यहाँ एप्लीकेशन बेस्ड मॉडल चलता है, और जिसका बेनिफिट आज इंडस्ट्री उठा रही है। और इसी का लाभ अब स्किल यूनिवर्सिटी को इतना मिला कि पिछले 1 वर्ष में हम लोग 50 से ज्यादा एलुमनाई कर चुके हैं। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है जब मैं अपने इंडस्ट्री पार्टनर्स, आज मॉर्निंग में भी हमने देखा और आज इस सभागार में भी देख रहे हैं, जयदान मारुति, मारुति कंसेंट्रिक्स, बीकानेर वाला, ईस्ट वेस्ट जेटवॉर, ऐसी बहुत सारी कंपनीज के साथ हमारी यूनिवर्सिटी कार्यक्रम चला रही है। और मुझे बड़ी खुशी है कि अब हमारी टीम इस वर्ष रिसर्च के ऊपर भी पीएचडी को प्लान कर रही है, जो स्किल बेस्ड पीएचडी होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं अगले वर्ष में हमारी टीम इंडस्ट्री के साथ पीएचडी लेके आएगी, लेकिन ये पीएचडी बड़ा यूनिक पीएचडी होगा। ये पीएचडी उन एस्पेक्ट्स पर रिसर्च करेगा जो इंडस्ट्री की जरूरतें हैं, जहां इंडस्ट्री आज स्ट्रगल कर रही है, चाहे वो वैल्यू इंजीनियरिंग में स्ट्रगल कर रही है, चाहे वो डिजाइन में स्ट्रगल कर रही है। हम लोग ऐसे बच्चों को अपने पीएचडी में एनरोल करेंगे जो स्किल बेस्ड मॉडल में डिमांड लेड आउटपुट बेस्ड रिसर्च थीसिस सबमिट करें, जिससे कॉस्ट का बेनिफिट हो, जिससे रेवेन्यू स्ट्रीम्स अप हो।